साथियों, मेरा नाम अर्जुन मेहर है और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक कविता लेकर जिसका शीर्षक है मैंने हथियार क्यों उठा लिए। इस कविता को लिखा है राजस्थान के एक शिक्षक राजू धीरोड़ा जी ने, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो मैं इसका पाठ शुरू करता हूँ। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये कविता जरूर पसंद आएगी। मेरी आंखें पत्थर की हो गई जब मैंने देखा नदियों का बलात्कार होते, पहाड़ों की हत्या होते, जब देखा नन्हे नन्हे तालाबों को जहर खाते हुए, जब देखा भूखे चूल्हों को आंसू पोंछते हुए, तो मैंने हथियार उठा लिए। मेरी आंखें आंसुओं की जहरीली धुआं से अंधी हो गई जब मैंने देखा मेरी गोद में मर गया स्तनों से आते दूध के अभाव में मेरा एकमात्र बेटा, तो मैंने नाजुक कंधों पर हथियार उठा लिए। मेरे कान अहिंसा के मंत्रों से भरे हो गए जब देखा मेरी बेटी का घास के मैदानों में बलात्कार होते हुए, जब उसकी चीख जंगल की घाटियों में टकराकर दम तोड़ गई, जब तमाम महिलावादी चुप्पी साध गए, तो मैंने हथियार उठा लिए। जब स्कूलों को बदल दिया गया युद्ध कैंपों में, जला दिया गया मेरी बेटी का बस्ता, जब बैल मर गए जहरीले पानी से, जब मेरे बदन के कपड़े फट गए, जब हो गई मैं बेहया, तो मैंने हथियार उठा लिए। जब भूखे पेट नहीं हो सकी भूख हड़ताल, तो गांधी जी के सिद्धांतों को, कच्चे घर की खूंटी के टांग, माओ की बंदूक को चूम लिया। जब मेरे कबीले की संख्या रह गई उंगलियों पर, जब जीवन से बगावत करना ही विकल्प था, जब मेरे गुप्तांगों का दर्द असहनीय हो गया, जब मुश्किल हो गया आंसू भरी आंखों से दुनिया को देखना, तो मैंने हथियार उठा लिए। धन्यवाद सर।